हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो ट्रैक के पास में जो पोल लगे रहते हैं, जिनको मास्ट बोलते हैं, इन पे जो नंबर लिखे रहते हैं, इनका मतलब क्या रहता है, ये क्यों है नंबर इस पोल पे लिखे रहते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, इस पोल पे नंबर लिखा हुआ है 52, फिर लिखा हुआ है 56। तो 52 का मतलब होता है कि ये जो पोल है, ये हेडक्वार्टर से 52 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, और 56 का मतलब होता है कि ये इसका पोल का नंबर है। दोस्तों, इंडियन रेलवे के अंदर इस पोल को बोलते हैं मास्ट। आप देखते हैं कि जो अगला जो मास्ट है, इस पे नंबर जो लिखा हुआ है क्या है, ये 5264। तो 52 किलोमीटर ये हेडक्वार्टर से डिस्टेंस है और 64 ये मास्ट नंबर है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, इसके अलावा जो अगला जो पोल है, इस पे लिखा हुआ है 5276। तो 52 किलोमीटर ये हेडक्वार्टर से डिस्टेंस है और 76 इसका मास्ट नंबर है। तो अब बात करते हैं कि इन पोल पे नंबर क्यों लिखे रहते हैं। अगर मान लो लोको पायलट है, कोई गड़बड़ी देखता है ट्रैक पर, तो वो स्टेशन मास्टर को ये बता देगा कि इस पोल नंबर के पास में मैंने कुछ गड़बड़ी देखी है, और उसके बाद में जो ट्रैक मैन है उसको करेक्ट कर देंगे। और मान लो कि इस पोल पे कोई नंबर नहीं रहते हैं और लोको पायलट है, वो मुंबई से दिल्ली जा रहा है, तो वो स्टेशन मास्टर को क्या बताएगा कि मैं मुंबई से जा रहा था दिल्ली और यहाँ पे कुछ मैंने गड़बड़ी देखी है, तो वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसलिए पोल पे नंबर लिखे रहते हैं, जिससे कोई भी कोई गड़बड़ी हो तो तुरंत है वो ट्रैकमैन जाके उसको सही कर दे।